गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की क्लास में आप सबका स्वागत है। टेंस के हमारे लास्ट टेंस में हम चलते हैं, टेंस के टॉपिक में जो हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके अंदर इस टेंस के अंदर उन कार्यों के बारे में बताया जाता है जो आरंभ हो चुके हों और भविष्य में किसी निश्चित समय तक चलते रहेंगे, या से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी, आते हैं वह टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। चलिए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन, इसमें ध्यान रखना शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या है इसका, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स सिंस टुमारो, कल तक मैं 2 घंटे से खेल रहा होगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स सिंस टुमारो। ही विल हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर ए वीक, वह 1 सप्ताह से बीमारी से जूझ रहा होगा, से रहा होगा, यानी वो 1 हफ्ता से बीमार रह रहा होगा। नेगेटिव क्या होता है इसमें, सेल विल के बाद नॉट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या है इसका, आई शैल नॉट हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं नाच रही होंगी। ही विल नॉट हैव बीन प्लोइंग फॉर टू आवर्स, वह 2 घंटे से हल नहीं जोत रहा होगा। इंटरोगेटिव में क्या होता है, सेल विल पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव। एग्जांपल क्या है, क्या पीएन 10 मिनट से घंटी बजा रहा होगा। विल द पीएन हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर 10 मिनट्स, क्या चपरासी 10 मिनट से घंटी बजा रहा होगा। विल सी हैव नॉट वर्किंग सिंस 2 o'clock, क्या वह 2 बजे से चल रही होगी। इंटरोगेटिव कम नेगेटिव, इसमें इंटरोगेटिव भी देखना और नेगेटिव भी डालना है। शैल विल सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ नोट लगाना है। अभी तक हमने यही किया है, अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो एकदम बाद नोट का प्रयोग, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, क्या हम 3 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे। विल यू नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर सीता सिंस 10 o'clock, क्या तुम सीता का 10 बजे से इंतज़ार नहीं कर रहे होगे। विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। अब ये चलिए इसके बाद हमारा टेंस का टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। इन टेंस को ध्यान से पढ़ना, अभी यूजेज के बारे में पढ़ेंगे, या तो क्लासेज शुरू होंगी तब पढ़ेंगे, या फिर अगर क्लासेज का टाइम लगता है तो हम यूजेज के बारे में बाद में पढ़ेंगे। और अब अगला टॉपिक शुरू करेंगे अब नेक्स्ट डे से। आज के जो ये टेंसेज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इनको ध्यान से देखना और लिख लेना, कहीं नोट कर लेना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लासेज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।